लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में मतदान प्रतिशत बढ़ाकर शत प्रतिशत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्वीप अभियान के तहत दिव्यांगजनों की एक रैली रविवार को इंदिरा बाल विहार से निकाली गई, जिसको स्वीप प्रभारी व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सहजनवा सुरनीत कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जनपद के विभिन्न दिव्यांग स्कूलों के छात्र छात्रा शामिल रहे। रैली कचहरी चौक होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां तहसील परिसर में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार वोटर बने दिव्यांग वोटरों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इसी दौरान DM ने सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति शपथ भी दिलाया। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत रविवार को दिव्यांग जन भी सड़कों पर उतर पड़े और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। हाथों में तख्ती लिए दिव्यांग जन लोगों से मतदान की अपील कर रहे थे, जिससे देश में लोकतंत्र मजबूत हो सके। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर प्रथमेश कुमार, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह, तहसीलदार सदर संजीव कुमार दीक्षित, राजस्व निरीक्षक सदर प्रदुमन सिंह, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी व विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा कि इस बार कोई भी दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, सबको दिला।
की। आदरणीय हम सब के संरक्षक जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं, उसी क्रम में ये अपना नहीं बेचना वोट, ये अपना खुद से धोखा खाओगे, घर की फुलवारी को भी तुम बचा नहीं पाओगे। वोट नहीं डाला जो तुमने, अधिकारों को खो दोगे, पीड़ा से कुंठित होकर तुम अंदर अंदर रो दोगे। याद करो ये केवल वोट अगर डाली होती, याद करोगे तुम ये केवल वोट अगर डाली होती, अपने भी घर आंगन में विकास वाली थाली होती, विकास वाली थाली होती। लगा रहे हैं, वोट करने जाना है, इधर देखिए आपको वोट जरूर दे देंगे। ठीक है बेटा, इधर देखो वोट जरूर देना बेटा। दिन हम लोग रखे हैं ताकि दिव्यांग वोटर का जागरूकता लाने के लिए आज एक शिविर लगी हुई है। आज सुबह से लोग रैली मैराथन किए थे, फिर यहाँ आए थे। एक अच्छा संदेश पूरे जनपद में फैल रहा है। यहाँ मोटा मोटा हम लोग के पास 23,000 पेंशनधारक है, विकलांगजन पेंशनधारक है। उसके अलावा भी बहुत सारे विकलांगजन है, यहाँ दिव्यांगजन है। मोटा मोटा अंदाजे यहाँ 70,000 दिव्यांग वोटर होंगे। हम लोग फिर भी 25,000 दिव्यांग वोटर का हम लोग मैच कर पाए। यहाँ 3,870 बूथ है हमारा। बूथ वाइज हम लोग सूची बनाए कौन कौन दिव्यांगजन है, उनमें क्या प्रॉब्लम है, किसी के व्हील चेयर चाहिए। हम लोग, मैं आपको बताने चाहता हूँ, सारे बूथ में यानी 3,870 बूथ में हम लोग रैम का व्यवस्था तो कर ही दिए, साथ साथ हम लोग ट्राईसाइकिल की व्यवस्था करा रहे हैं। ट्राईसाइकिल केवल दिव्यांगजन में नहीं है, जो बुजुर्ग आते हैं और असमर्थ आते हैं और कोई है उनका जो पैदल चलने में दिक्कत है, चोट लग गए, जो भी है, सबको हम लोग प्रयोग करेंगे। उसको दो वॉलंटियर भी वहाँ रहेंगे और जो यहाँ और अन्य दिव्यांग जन है, किसी दूर से मजरा से आना है, उनका देने में मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी में आना है, उसको भी हम लोग सेक्टर मैजिस्ट्रेट को निर्देश कर रखा है। यहाँ 281 सेक्टर मैजिस्ट्रेट हमारा लगे हुए हैं। आप किसी दिन वोट पड़ता है उसी दिन आपके घर से ले जा करके आपको वोट पड़वा देंगे, वापस ले जा करके आपको घर पे छोड़ देंगे, उसको भी व्यवस्था हम कर रखा है। उसके अलावा आपका जो परिवारजन अपने साधन से आने चाहते हैं, नहीं तो कोई परिवारजन आपके साथ ले आकर के बूथ तक छोड़ने चाहते हैं, तो स्वागत है, आराम से आ सकते हैं। उसके अलावा ये इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो सुविधाएं बढ़ा रखा है दिव्यांगजन का खास तौर पर, इसका स्लोगन ही ऐसे ही है, एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। हर साल हम लोग एक मोटो देती है इलेक्शन कमीशन, तो एक निर्देश और एक तरफ हम लोग ये लक्ष्य देती है। इस साल का हमारा लक्ष्य है एक भी वोटर ना छूटना, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ दिव्यांगजन आप लोग एक आदर्श के रूप से सबको सामने पहचाना है, ताकि आपको लेके और लोग प्रेरित होकर आते हैं। यदि आप लोग जाकर के आपका मन बल के साथ आप अपने मनपसंद व्यक्ति को वोट देंगे, बाकी जो भी आलसी पड़े रहते हैं नॉर्मल लोग सोचते हैं भाई ये जाकर के ताकत दे दो, ये जाकर वोट दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकलते। आप लोग एक तरफ अम्बेसडर है इलेक्शन कमीशन का, एक तरफ से आप लोग बूथ है वो एक तरफ अम्बेसडर के रूप से काम करेंगे। आपसे निवेदन करता हूँ किसी भी सूरत में 5 साल के एक बार एक मौका मिलता है
जरूर घर से निकालें, आपका मनपसंद कैंडिडेट आप चुने, ताकि वही आदमी आकर के हमें अगले 5 साल के लिए सत्ता चलाते हैं, उसका आपका भी कल्याणकारी योजना जो भी होना है उनके मैनिफेस्टो में होता है, एजेंडा में होता है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ जो सारे पार्टी का मैनिफेस्टो एजेंडा सारे आप एक बार ध्यान दौड़ करके देख लीजिए, आपको जो सुविधा दे रहा हो, जो मनपसंद कैंडिडेट है जो भी होता है, बिना दबाव बिना लुभाव का जा करके ऐसे नागरिक आप वोट दें, ये अधिकार है हम लोग को 5 साल के एक बार मिलता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप एक प्रेरक के रूप से काम करें, हमारा एम्बेसडर के रूप से काम करें, आपके साथी को भी ले चलें और सभी लोग वोट दें। इस बार कम से कम मान के जाए 90% हम लोग गोरखपुर में वोट टच करेंगे, ये हम लोग का लक्ष्य रखा है। और बाकी चीज आपको जो भी तकलीफ है हम लोग आपके साथ साथ हैं, कंधे से कंधे लग करके हम लोग करेंगे। ये विकास आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, ये चीजें ध्यान में रखते हुए जरूर 19 मई को निकालिए, वोट देने के लिए जाइए। जय हिंद, जय भारत। शपथ दिला रहे हैं 35 लाख कोशिश कर रहे हैं, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यहाँ शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा के अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार को प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज तो हम लोग गोरखपुर में जो स्वीप के अंदर खासतौर पर जो दिव्यांग जन है उन लोगों को जागरूकता लाने के लिए एक रैली निकले थे, उसके बाद सभा भी है, उसके बाद सभा भी है, फिर शपथ भी दिलाया गया है और इन लोगों को प्रेरित भी किए थे। इस पर तो नया यंग वोटर्स का हम लोग सर्टिफिकेट भी अलग दिए, जो 18 साल के बाद कितने दिव्यांगजन जो नया वोटर बने हुए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार बूथ वाइज इन लोग दिव्यांगजन कितने हैं, तकरीबन मोटा मोटा हम लोग 50,000 से 60,000 के बीच में दिव्यांगजन को मान के जा रहे हैं, उन लोग को मैपिंग कर रहे हैं और उन लोग को ऐसे सुविधा दे रहे हैं तो इनको घर से ही ले जा करके हम लोग वोट पड़वा देंगे, फिर वापस ले जा करके छोड़ देंगे। किसका किस टाइप का तकलीफ होता है उसी के हिसाब से हम लोग उसको निराकरण करने के लिए जो पूरा कार्रवाई कर रहे हैं। सारे जो बूथ में हम लोग का व्हीलचेयर रहेगा और वहाँ वॉलंटियर रहेंगे इनको मदद करने के लिए, रैंप तो है ही है, उसके अलावा किसी का साधन संसाधन प्रयोग करना है, उपयोग करना है और प्रोवाइड करना है उसी को भी सुविधा हम लोग करा रहे हैं। हम लोग इस बार लक्ष्य यही है कि एक भी दिव्यांग जन वोटर जो 18 साल के ऊपर है उनको छूटना नहीं चाहिए, उसी लक्ष्य के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। भरोसा है उसी लक्ष्य को हम पूरा करने में सफल रहेंगे।